गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगिन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन की। जब अपने को दो नंबर दें, कि दो नंबर को जब अपन ऐड करें, मल्टीपल करें, सबट्रैक्ट करें और डिवाइड करें, तो जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा जाएगा, इसके रूल अपन ने पढ़ लिए थे। अब हम उन रूल पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर 5.95 इनटू 10 टू द पावर 24 केजी एंड 6.37 इनटू 10 टू द पावर 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द अर्थ डेंसिटी ऑफ करेक्ट फिगर। तो आपको अर्थ डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है बेटा, 5.95975 इनटू 10 टू द पावर 24 केजी, और रेडियस कितनी रखी है, रेडियस देखिए 6.37 इनटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो बेटा जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम अर्थ का वॉल्यूम, अर्थ क्या है, स्फीयर, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। मतलब अपन दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, दो मेजर्ड क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें डिवाइड वाला रूल लगेगा। क्या था डिवाइड वाला रूल, कि जब अपन दो मेजर्ड क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले मेजर्ड क्वांटिटी में लिखा जाएगा। अब देखो इन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इसके अंदर हो गया बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने हो गए 4, और इसके अंदर हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिजल्ट को अपन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले में लिखेंगे, कितने हैं 3। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर होगा, उसको अपन 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, अर्थ एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। तो मास की वैल्यू रख दी अपन ने 4π, 3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, और r रेडियस, रेडियस कितनी देंगे 6.37 × 10⁶, और इसका क्यूब। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अपने को जो डेंसिटी मिलेगी 0.005517 × 10⁶ किस में मिलेगी बेटा, ये केजी पर मीटर क्यूब में। अब ये पॉइंट मैं इस 5.5 के बीच में लगाना चाहता हूं, तो कितने डिजिट छोड़ के लगा रहा हूं, 3 डिजिट छोड़ के। तो यहां पे बेटा पावर कम हो जाएगी, 6 की जगह कितना गया 3, तो पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो कहां जाएगा, 5.5 के बीच में, 5.517 × 10⁶। कर सकते हैं, तो ये आंसर होगा। लेकिन अपने को आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो ये तो 10⁶ ऑर्डर तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होते। अब इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है, तो इसको 3 बनाना है, तो इस 7 को हटाना पड़ेगा। तो 7 को हटाएंगे तो राउंड ऑफ वाला रूल लगाएंगे, ये 7 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 5.52 × 10⁶, ये अपने को फाइनल आंसर मिलेगा। तो इस आंसर में देखो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3। तो ये रूल था कि जब अपन दो मेजर्ड क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले मेजर्ड क्वांटिटी में लिखा जाएगा। लीस्ट कितने है 3, तो रिजल्ट भी कितने में लिखा जाएगा 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया बताना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यूब का 6 × साइड स्क्वायर, तो 6 साइड ना लेकर अपने को 7.203 इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर अपने को मिलेगा 373.714754 मीटर स्क्वायर। अब बेटा ये जो फाइनल आंसर है इसको कितने सिग्निफिकेंट तक लिखना है, तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसको मल्टीपल कर रहे हैं। तो मल्टीपल का रूल डिवाइड के जैसा ही है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट तक अपने को रिजल्ट को लिखना है। तो कितना है इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट, 4 है,
तो फोर तक रिजल्ट को लिखते हैं, फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो यहां तक अपने को लिखना है, देखो 3.7 तक लिखना है। आगे वाली जो डिजिट है, ड्रॉप डिजिट, ये 5 से छोटी है, तो 7 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7 ऐसा कैसा रहेगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 373.7 मीटर स्क्वायर। ये अपने को टोटल सरफेस एरिया मिल गया किसका, क्यूब का। तो अपन ने दो क्वेश्चन किए हैं, किस पे, एक तो डिवाइड, दो मेजर क्वांटिटी को अपन ने डिवाइड किया और मल्टीपल किया। तो जो रूल थे सिग्निफिकेंट के वो इसमें लगाने हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एरर।